हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ गुणवंत मंगनाड़े। स्टूडेंट, हम लोग आज जो पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स, वो है सेलुलर रिस्पायरेशन के रिगार्डिंग। और वो न्यूमेरिकल आपको दिया गया है। व्हाट इज न्यूमेरिकल? सेलुलर रिस्पायरेशन प्रोसेस अ गैसेज वेस्ट प्रोड्यूस विच इज रिमूव्ड बाय लंग्स। आपको पता है, ओके, जब सेलुलर रिस्पायरेशन होता है, व्हेन सेलुलर रिस्पायरेशन ऑकर, देन व्हाट हैपन ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पायरेशन? लंग्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ना, ओके, रिमूव्ड बाय द लंग्स। एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गैस रिमूव्ड बाय या रिमूव्ड इन वन आवर इन द अडल्ट मैन अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन? तो आपको पता है, नॉर्मल अडल्ट पर्सन में क्या होता है, नॉर्मल अडल्ट पर्सन में क्या होता है, ओके, आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, जब गैसेस को लॉस हो जाता है, दैट इज 200 ml CO2 रिमूव करता है कौन? लंग्स, ओके, 200 ml CO2 रिमूव बाय लंग्स इन 1 मिनट। तो फिर आपको पता है, अभी अगर एक मिनट के लिए क्या हो रहा है, 1 मिनट के लिए अगर लंग्स 200 ml CO2 लो रिमूव कर रहा है, तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है अमाउंट ऑफ गैस रिमूव्ड इन 1 आवर ना, 1 आवर में कितना होता है, 1 आवर में कितना CO2 लॉस करेंगे, ओके, मैन अंडर नॉर्मल फिजिकल कंडीशन। तो फिर आपको पता है, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। दैट मीन्स अपने को 1 मिनट की वैल्यू पता है। 1 मिनट की वैल्यू कितनी थी? 200 ml 1 मिनट की वैल्यू थी इंटू 60। अगर आप करोगे तो आपका आंसर आता है 12,000 ml, ओके, इन 1 आवर्स। 1 आवर में लंग जो है कितना CO2 लॉस करते हैं? 12,000। कैसे किया? 200 × 60 किया हमने, ओके, तो 12,000 ml CO2 लॉस। इसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर है फिर क्वेश्चन का, वो आता है, क्वेश्चन का जो आंसर है आपका वो आता है, दैट इज़ 12,000 ml पर व्हाट यू कॉल्ड आवर्स, पर आवर ना। सो दिस इज योर आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।